उज्ज्वल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 AM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार अरवली से। जिले में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। किसान खेती में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। शामराजी पंथक में किसानों ने धान यानी डांगर की खेती शुरू की है। लक्ष्मणपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष धान डांगर की खेती होती है। जिले में 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर मानसून में खेती किया गया है। आपको बता दें कि मोड़ासा भारतीय राज्य गुजरात के अरवली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। ये प्रांतीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कृषि निर्यात के लिए एक आर्थिक केंद्र है। आसपास के गांवों के लिए एक केंद्र के रूप में मोड़ासा निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसमें 2 बड़े अस्पताल भी हैं। आपको बता दें कि अरवली मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है जिसमें कपास और गेहूं प्रमुख फसलें हैं। खेती की जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें में से तिलहन, मक्का, आलू आदि। जिले में छोटे और सीमांत किसान 67,414 है जो कुल किसानों की आबादी का 66% है। कृषक इस बारे में क्या कहते सुनते हैं। आ वरसाद आयो एटले अमे छे आ डांगरनू हेती वावितर कर्यु अने पछी से ते पाणी चायडा भराई गया एटले पछी अमे आ रोपानू चालू कर्यु अने पछी से आ रोपान चालू कर्यु पछी पाक थोड़ोक समय थाय एटले 15-20 दिवस थाय एटले अंदर खातर नाखवानू अने पछी आ मकाईनू वावितर छे एटले मकाई हेती पेरीने पछी रापडू कढायु रापडू काढ्यु ने पछी हेती नीदी दळजु नीदी दळीने पछी आ खातर आपीने पछी हेती एटले सारू वावितर थयु। एक और बारिश की खबर अरवली से। मोड़ासा के मेधासन प्राथमिक स्कूल 1 में जर्जर होने के कारण बारिश से कमरों में पानी भर गया। जर्जर कमरों का उपयोग न होने के लिए वर्ष 2022 में सिस्टम को अवगत भी कराने के बावजूद भी सिस्टम ने ना कोई परवाह नहीं की। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी की गई है। मेधासन का प्राइमरी स्कूल 1 जर्जर हालत में है और बच्चे खतरनाक स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल के 11 कमरों में कुल 150 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में 20/7/2022 को तालुका पंचायत और सड़क निर्माण विभाग को स्कूल का उपयोग न करने के सूचित किया गया। हालांकि प्राइमरी स्कूल और SMC कमेटी ने नए स्कूल के निर्माण के लिए बार बार प्रस्ताव रखा लेकिन अधिकारियों ने कोई भी बात सुनी नहीं और कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मेरासन इलाके में भारी बारिश के कारण छत पर लगे जर्जर पाइपों और छत से रिसाव के कारण कमरों में पानी भर गया है। अरवली शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल से बच्चों को स्थानांतरित करने और नया स्कूल बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी की है। आइए समाचार गिर सोमनाथ वेरावल से। गिर सोमनाथ के वेरावल में राजमहल रोड पर बिजली ट्रांसफार्मर के बॉक्स पर बैठे कोबरा सांप को देखकर बिजली कर्मचारी दंग रह गए। मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम था तभी सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया और लोगों की भीड़ ने रेस्क्यू किया। आखिर में जब कोबरा सांप को रेस्क्यू कर पकड़ा गया तब बिजली विभाग और स्थानीय लोग हैरान रह गए। वेरावल के 5 इंच बारिश के कारण बाढ़ का पानी भर गया तब बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर के बॉक्स में एक कोबरा सांप घुस गया था। बिजली फॉल्ट होने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर के नीचे लगे फ्यूज बॉक्स को खोला तो उसमें से एक बड़ा कोबरा सांप रेंगता हुआ मिला और कोबरा के घुसने पर खबर मिलते ही शहर के व्यस्ततम राजमहल रोड पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक की जाम हो गया और कुछ देर के कोशिश के बाद आखिरकार कोबरा को पकड़ने वाले को बुलाया गया और फिर बिजली मिस्त्री और राहगीरों ने ढाके की गूंज उठी। मानसून के दौरान पानी के कारण अक्सर कोबरा समेत सांपों की जहरीली प्रजातियां बाइक और कार जैसे वाहनों में भी घुस जाती है। इस घटना के बारे में स्कैन कैचर नागजी ने बताया कि जब भी वह सुबह के समय खड़ी बाइक या कार चलाते हैं तो उन्हें अपने वाहन को लीवर देकर उसे थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए तो उसके कंपन से सांप गाड़ी से बाहर आ जाएगा, अन्यथा सीधे गाड़ी चलाने पर मानसून के दौरान सांपों का खतरा रहता ही है। ये समाचार हमें महेश वाजा सोमनाथ से, सीधी रिपोर्ट हमने उससे ली है। अरे सब स्टेशन ना जीबी ने अंदर आ
પેટીની અંદર સાપ આવી ગયો હતો અને આ લોકોનું કામ રોકાયેલું હતું જીબી વાળાનું. તાત્કાલિક મને કોલ કર્યો અને 5 મિનિટમાં હું સ્થળ ઉપર આવ્યો અને સાપનું રેસ્ક્યુ કરી અને એને સુરક્ષિત જંગલમાં રિલીઝ કરી દેવું. અને આ ઝેરી સાપ છે, કોબરા જાતિનો સાપ છે અને બહુ આની અંદર ઝેર આવે એટલે આ જીબી વાળાનું કામ રોકાયેલું હતું. પહેલાં તો આપણી બાઇક હોય ને તો સવારે નીકળો તો થોડુંક લીવર દઈને એને સ્ટાર્ટ કરવાની, જેથી કરીને બાઇકની અંદર હતી અને વધારે આ પ્રકારના સાપના કેસ બને. અને તમારા ઘરની આજુબાજુમાં ચોખ્ખાઈ રાખવાની જેથી કરીને સાપ અંદર ન આવે. ઘણી જગા ઉપર જાય તો એટલી બધી અગોચર હોય એની અંદર સાપ આવીને બેઠી જાય ત્યારે આ બધા એક્સિડન્ટના કેસ થતા હોય છે. વેરાવળ સિટી ફીડર HDFC વાળો TC બરાબર એમાં કામ કરવા માટે આવેલ હતા. પેટી ખોલી હતા કોબરા નાક જોવા, પછી પકડવા વાળાને બોલાવ્યા અમે, ભાઈ હા પાવર બંધ કરો ભાઈ.